हेलो गाइस, श्री धागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों का ऑनलाइन सिलाई क्लासेस का डे 3 है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिवीजन करना चाहूंगी कि डे 2 में मैंने क्या बताया था। तो डे 2 में मैंने आप लोगों को सब कुछ पेपर पर कट करना बताया था। उनमें से सबसे पहले मैंने पेपर पर मेजरमेंट बताई थी और मैंने इस तरह से कुर्ती कटिंग पर मेजरमेंट लेना बताया था कुर्ती कटिंग का। और उसके बाद मैंने कुर्ती को कट करना भी बताया था, ये मैंने कट किया हुआ है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको फुल स्लीव्स कट करना बताया था जो कि इस तरह से है। और उसके बाद मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दिए थे जो कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना। तो अगर आपने मेरी डे 2 की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देखिए। और डे 1 में मैंने सब कुछ बेसिक बताया था, जैसे कि मेजरमेंट कैसे ली जाती है और उसके अलावा सब कुछ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है मेरी डे 1 और डे 2 की क्लास तो वो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप आज की क्लास देख पाएंगे यानी कि समझ पाएंगे, वरना फिर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि डे 2 की क्लास जरूर देखिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, जो मैंने कुर्ती कटिंग बताई थी पिछली बार वो मैंने एक सिंपल कुर्ती कटिंग बताई थी, तो आज मैं आप लोगों को कॉलर वाली कुर्ती कटिंग काटना बताऊंगी कि कॉलर वाली कैसे कट करी जाती है। और उसके बाद मैं आप लोगों को हाफ स्लीव्स भी कट करना बताऊंगी। हाफ स्लीव्स कट करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को हाफ स्लीव्स भी कट करना बता देती हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को दो तरह के नेक डिजाइन बताऊंगी, नेक कटिंग, जो कि मैं पेपर पर ही बताऊंगी। उनमें से जो पहली कटिंग होगी वो होगी बुकरम पर काटना नेक को, और जो दूसरी कटिंग होगी वो मैं बताऊंगी बिना बुकरम के नेक को कट करना। उसके अलावा मैंने इसकी भी वीडियोस अपने चैनल पर दी हुई है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, पर जैसा कि क्लासेस की है तो मैं इसमें बहुत डिटेल से बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरी देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉलर वाली कुर्ती कटिंग बताने वाली हूँ। तो इसको हम लोग वैसे ही कट करते हैं जैसे हम लोगों को कट करना होता है, पर कट करने से पहले जैसे आप निशान लगाते हैं इस तरह से, तो आप लोगों को इसी तरह से निशान लगाना है कुर्ती में, जैसा कि ये हमारा चेस्ट का निशान है, ये कमर का निशान है और ये हिप का निशान है। उसके अलावा आपको जितनी भी लेंथ लेनी है आप उतनी लेंथ भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग है वो। कुछ लोग छोटी कुर्ती पहनना पसंद करते हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर जितनी भी आप लेंथ ले रहे हैं जैसा मैंने पिछली बार बताया आपको 1 इंच ज़्यादा लेना होगा। तो 1 इंच जब आप ज़्यादा लेंगे तो जब आप उसको मोड़ेंगे सिलाई में तो वो एग्जैक्टली वही आ जाएगी जितनी आपको लेंथ लेनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर दिया हुआ है। अब कुर्ती कटिंग जो हम कॉलर के लिए करते हैं उसमें क्या होता है कि आपको इसी तरह से निशान लगाना है, बिल्कुल सेम जो भी आपकी फिटिंग है वो 1/4 लगाना होता है, मैंने जैसा कि बताया। और मैंने 1/4 करना भी बताया है अपने डे 1 की क्लास में, तो आप लोग वो देखिए, मैंने 1/4 करना बहुत ही इजी मेथड से बताया है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने चेस्ट ले लिया, अब आपने दूरी कितनी ली है चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें दूरी लेनी होती है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है पिछली क्लास में यानी कि डे 2 की क्लास में। तो अभी हम मैंने इसमें जिस अकॉर्डिंग इसका चेस्ट था, यानी कि चेस्ट था इसका 9 था, तो 9 के अकॉर्डिंग यानी कि 36 चेस्ट था। तो 36 अगर इसका चेस्ट है तो 36 के अकॉर्डिंग जो दूरी होती है वो 7 लेनी होती है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अभी ये दूरी मैंने 7 ली हुई है, आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये 7 की दूरी है, कमर में भी 7 की है क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई 14, फिर उसके बाद 21, तो ये 7 की दूरी मैंने ली हुई है। अब अगर आपको कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करनी है तो जब हम शोल्डर लेते हैं, नॉर्मल कुर्ती में हम शोल्डर 7 ही लेंगे अगर हमने 7 दूरी लगाई है तो। अगर आप 6.5 की दूरी लगा रहे हैं तो आपको 6.5 लेना होगा, अगर आप 6 की दूरी लगा रहे हैं तो आपको ये चीज 6.5 ही लेना होगा। तो अगर आप कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हैं तो आप जितनी भी दूरी ले रहे हैं नॉर्मल वाली कुर्ती के लिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यानी कि अगर आप ये यहाँ पर, इसमें पहले आपको देखना होगा कि आप कुर्ती कौन सी बना रहे हैं, कॉलर वाली या फिर सिंपल वाली। अभी आप ये, मैंने सिंपल वाली कुर्ती के लिए है तो मैंने ये 7 लिया है। अब मुझे इसको कॉलर वाली कुर्ती बनानी है तो उसके लिए मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, यानी कि 7 की बदली 8 लेना होगा। तो यहाँ पर मैं 8 का निशान लगाऊंगी। 8 का निशान लगाने के बाद ये चीज, अब जो हम चेस्ट में लेते हैं यहाँ पर
ये भी हम नॉर्मल कुर्ती में साथ ही लेते हैं, देखिए साथ है। पर अगर हम कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, यानी कि हमें लेना होगा 7.5। तो यहाँ पर हम 7.5 का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने आधा इंच का निशान लगा दिया है। उसके बाद ये थोड़ी सी लाइन हमें टेढ़ी खींचनी होती है, तो ये लाइन हम टेढ़ी खींच देते हैं इस तरह से। ये कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगों को, यहाँ पर थोड़ा कम होता है और यहाँ पर ज्यादा। तो ये होती है कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग। अब यहीं पे आप आर्म होल का निशान लगा सकते हैं इस तरह से, और आर्म होल जैसा मैंने बताया है 1 इंच ज्यादा लेकर इस तरह से गुलाई कर सकते हैं। ये हो गई कॉलर वाली कुर्ती। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि 7 इंच दूरी, मैं 6 इंच की दूरी लगा रही हूँ तो क्या करूं। तो अगर आप 6 इंच की दूरी लगा रहे हो, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, अगर आप 6 इंच की दूरी लगा रहे हो तो आपको ये चीज साथ लेनी होगी। मतलब आप जितनी भी दूरी लगा रहे हो, कॉलर वाली कुर्ती में आपको ऊपर वाला 1 इंच ज्यादा लेना होता है, और जो ये वाला होता है, जो हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाते हैं, वो हमें 1/2 इंच ज्यादा लेना होता है। और उसके बाद जो हमें चेस्ट का निशान लगाना है, वो हमें चेस्ट की फिटिंग में लगाना होता है। तो दूरी आप लोगों को सीखनी है अगर लगानी, तो आप मेरी डे 2 की क्लास में देख सकते हैं, वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग। तो चलिए अब बढ़ते हैं हाफ स्लीव्स की तरफ। अब हाफ स्लीव्स कट करना बताती हूँ। तो ये मैंने डे 2 की क्लास में फुल स्लीव्स आप लोगों को कट करना बताया था, तो मैं अब एक बार रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों को लेंथ लेनी है, तो लेंथ के लिए हम लोग निशान लगाएंगे। जितनी भी आप लोगों को हाफ स्लीव्स लेनी है, तो यानी कि अगर आपको लेनी है यहाँ पर 7 हाफ स्लीव लेनी है, तो स्लीव्स में या आप कुर्ती में जितनी भी आप लोगों को फुल लेंथ लेनी होती है, 1 इंच एक्स्ट्रा हमें उससे लेना होता है। तो अभी 7 आप लोगों को अगर कंप्लीट रखनी है तो आप लोग को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, यानी कि 8। तो 8 पर हम निशान लगाएंगे। तो ये हमने पहले लेंथ ले ली है। अब लेंथ के बाद जो भी आपका पेपर होता है उसको आप लोगों को सीधा लेना होता है, यानी कि अगर आपने 7 दूरी लगाई है तो जो स्लीव्स का जो आर्म होल होता है वो हम लोगों को 9 लेना होता है। इस तरह से 9 ले लिया। उसके बाद 2 इंच नीचे लेना होता है। मैं सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ, अगर आपको पूरा डिटेल से देखना है तो आप मेरी डे 2 की क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से 2 इंच नीचे लेना है। 2 इंच नीचे लेने के बाद हम मार्क लगाएंगे और ऊपर से पूरा हम लोग 2 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद जो भी आप लोगों को फिटिंग रखनी है हाफ में, यानी कि जो हाफ आपको जितनी भी फिटिंग रखनी होती है, वैसे फुल स्लीव्स में जो फिटिंग होती है वो 5 होती है, जो कि मैंने यहाँ पर लगाई हुई थी, पर ये हाफ स्लीव्स में जो फिटिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मैं यहाँ पर 6 ले रही हूँ, 6 की निशान लगाऊंगी यहाँ पर। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा का निशान। अब ये आप लोगों का 9 आया है, 9 आपका सिलाई का निशान होता है, तो यहाँ पर मैं सिलाई वाली में इसको मिला दूंगी। उसके बाद जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, एक्स्ट्रा हमेशा यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ही लिया जाता है। आप 2 इंच से कम नहीं ले सकते पर 2 इंच से ज़्यादा ले सकते हैं। तो अभी ये एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा में मार्क कर दूंगी। उसके बाद ये हमारी हाफ स्लीव्स हो गई है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ से ऊपर की तरफ हम लोगों को 2.5 इंच लेना होता है, यानी कि 2.5 इंचेस हम लोगों को लेना है, और यहाँ पर 1/2 इंच नीचे लेना होता है। फिर इस तरह से हम लोगों को शेप देना होता है सिर्फ 2 लेयर्स में। ये हमारे पास 2 लेयर्स है, पीछे का हम लोगों का बराबर रहेगा पर जो 2 लेयर्स होंगी सिर्फ उसमें हम लोगों को ऐसा करना है, तो इसलिए इसको हम लोग इस तरह से खोल के करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को 1/2 इंच लेना है और यहाँ से 2.5 इंच लेना है। इस तरह से शेप देने के बाद इसको इसी तरह से कट कर देंगे और ये हमारी स्लीव्स निकल आएंगी हाफ। तो ये हो गई हाफ स्लीव्स।
इन शॉर्ट मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी फुल स्लीव्स जिस तरह से कट करी जाती है उसी तरह से सेम हाफ स्लीव्स भी कट करी जाती है और उसी तरह से हर स्लीव्स आप कट कर सकते हैं, यानी कि क्वार्टर भी होती है, अम्ब्रेला भी होती है, उसी तरह से आप लोगों को कट करनी होती है। यानी कि जो ये चीज होता है ये सारी स्लीव्स में सेम ही होता है। उसके बाद ये हमें सिर्फ लंबाई की देखना होता है। तो ये चीज अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो आप मेरी ऑनलाइन सिलाई क्लास का डे टू देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी हाफ स्लीव्स। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बुकरम वाला नेक कटिंग बताऊंगी पेपर पर। अभी मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया हुआ है, आप लोग पहले इसको पेपर पर ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद आप उसको बुकरम पे ट्राई करिएगा। इसके अलावा मैंने जितनी भी चीजें बताई है आप लोग सारी चीजें पेपर पर ही प्रैक्टिस करिएगा, अभी कपड़े पर बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए और फिर कपड़ा वेस्ट हो सकता है इसलिए। तो सबसे पहले हम लोगों को पेपर लेना है, पेपर को हम लोगों को इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद नेक कटिंग बता रही हूँ बुकरम वाली, तो ये हमारा बुकरम है। उसके बाद हम लोगों को ये ढाई लेना होता है। तो अब हम लोगों को इसकी चौड़ाई ढाई इंच की लेनी है। ढाई इंच हम नॉर्मली बनाते हैं सारे गलों में, लेकिन बहुत लोग होते हैं थोड़ा फैला हुआ पसंद करते हैं। मतलब मैं वैसा फैला हुआ नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वो गिर रहा है कंधी, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कंधी जो उनकी गिरती है। तो वो जिस तरह से मैंने कुर्ती कटिंग बताई है उस तरह से अगर आप काटेंगे तो उनकी कंधी नहीं गिरेगी। लेकिन अभी मैं नेक कटिंग की बात कर रही हूँ, तो नेक कटिंग के लिए ये हम लोग ढाई इंच लेते हैं। जैसे बहुत हेल्दी पर्सन जो होते हैं उन लोगों को, काफ़ी लोगों को बड़ा गला पसंद होता है, तो जो लोगों को बड़ा गला पसंद होता है उन लोग में हम तीन इंच की लेते हैं। और जो हेल्दी नहीं होते पर फिर भी उन लोगों को बड़ा ही गला पसंद होता है तो वो भी तीन इंच हम लेते हैं। पर जो छोटे लोग होते हैं और बहुत स्लिम लोग होते हैं तो उन लोगों के लिए हम लोग ये चीज़ ढाई लेते हैं, ढाई इंच की चौड़ाई। होप आप लोगों को ये चीज चौड़ाई जो है वो समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो अभी मैं यहाँ पर तीन इंच वाला बना रही हूँ क्योंकि जो हम लोग नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग तीन लोगों का लेते हैं। तो ये अभी तीन का निशान हमने लगा दिया है। उसके बाद हम लोगों को लंबाई लेनी है। लंबाई हम लोगों को गले की 6 या 6.5 लेनी होती है, उससे ज्यादा हम लेंगे तो गला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर मैं 6 इंच का ले रही हूं, ये 6 इंच का निशान लगाया। अब यहां पर हमने चौड़ाई 3 इंच की ली थी तो यहां पर भी हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे। स्लिम लोगों के लिए मैंने जैसा बताया है आप लोगों को वैसे ही करना है, 2.5 इंच की ही चौड़ाई लेनी है। तो ये हो गया, अब इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब ये आप लोगों को निशान दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को गोल शेप देना है। तो ये आप लोग जो मैंने स्केल आप लोगों को बताया है उस स्केल की हेल्प से भी खींच सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी खींच सकते हैं। ये हो गया हमारा गोल गला। आज मैं आप लोगों को सिर्फ गोल गला बता रही हूँ काटना। इसके बाद अगली क्लास में मैं आप लोगों को हर तरह की नेक डिजाइन बताऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को किस तरह की नेक डिजाइन सीखनी है। तो अब ये हम लोगों को हो गया है, अब इसमें हम लोग एक्स्ट्रा लगाएंगे। 1 इंच का एक्स्ट्रा लेना होता है हम लोगों को, तो 1 इंच हम लोग मार्क कर देंगे यहाँ पर। हमेशा 1 इंच का ही एक्स्ट्रा लेना होता है अगर आप बिगिनर है तो। हर तरफ से इसको हम लोग 1 इंच का निशान लगाते हुए आएंगे इस तरह से। जब पूरे में मार्क कर देंगे तो हम लोग इसको पूरा ड्रॉ कर लेंगे एक साथ। ये हो गया हमारा गोल गला, अब इसको कट कर लेंगे। कट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अंदर वाला बिल्कुल भी नहीं कट करना है, बाहर वाला कट करना है। तो हम लोग बाहर वाले से कट करेंगे। हमेशा गला काटने के लिए आप लोगों को बाहर वाले का ही सबसे पहले काटना होता है। अब ये हमारा हो गया, इसके बाद हम लोग ये अंदर वाले को कट करेंगे और इसको हमें पकड़े रहना है, पकड़ के ही कट करना है, वरना जो बुकरम होता है वो हिल जाता है और गला आपका
चौड़ा या पतला हो सकता है, तो इसको हमें दोनों तरफ से पकड़ के ही कट करना होता है। तो ये हो गया, ये देखिए ये हमारा गोल गला रेडी है। ये मैंने फ्रंट का बताया है और बुकरम वाला बताया है, तो ये हमारा बुकरम है। इसके बाद मैं इसको स्टिचिंग करना भी आप लोगों को बताऊंगी आगे की कुछ क्लासेस में। तो अब मैं बिना बुकरम का गला काटना बताऊंगी आप लोगों को, तो चलिए चलते हैं बिना बुकरम का गला काटने के लिए। तो बिना बुकरम वाले गले के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका फ्रंट पार्ट लेना होगा। तो इसका बैक हम निकाल के रख देते हैं। तो ये रही हमारी कुर्ती, इसमें हम लोगों को बुकरम का यूज नहीं करना होता है, इसलिए ये बिना बुकरम वाला गला होता है। इसको हमें डायरेक्टली जो गला होता है वो हमें कुर्ती में ही कट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 की चौड़ाई, तो सबसे पहले हम लोग 3 का लगा देंगे। उसके बाद जितनी भी आप लोगों को लेंथ लेनी है आप उतनी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि जो भी गला होता है बिना बुकरम वाला, तो मोस्टली ये हम लोग बैक के नेक में बनाते हैं। बहुत लोग होते हैं जिन्हें बुकरम वाला नहीं पसंद होता है, तो वो फ्रंट में भी बना सकते हैं। तो अगर आप फ्रंट में बना रहे हैं तो आप 6 या 6.5 लेंथ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 लेंथ लेती हूँ, जैसा मैंने उसमें कट करना बताया है वैसे ही। अगर आप बैक का बना रहे हैं, अभी तो मेरा ये फ्रंट है, अगर मैं इस तो पीछे वाले में जितना भी लोग, बहुत लोग डीप नेक बोलते हैं, तो डीप नेक आपका 6 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। ये आप लोग, आपको लोगों से पूछना पड़ेगा कि उन्हें रखनी कितनी है। और अगर आप अपनी कुर्ती बना रहे हैं तो आप अपने लिए जितना भी रखना चाहें उतना रख सकते हैं। मुझे छोटा नेक पसंद है पीछे का, तो मैं 3 रखती हूँ 3 या 3.5 बस, इससे ज्यादा मैं नहीं रखती। तो अभी मैं फ्रंट बता रही हूँ, तो 6 की दूरी लगाती हूँ, 6 की लेंथ लगाई है। उसके बाद ये 3 लगाऊंगी इसकी चौड़ाई, उसी तरह से कट करना है जैसे हम लोगों ने अभी उसको कट किया है। पर दोनों को कट करना तो सेम होता है, बट दोनों को सिलना बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि हमें जो बुकरम वाला कट किया है उसमें बुकरम लगता है, और जो हमने बिना बुकरम वाला कट किया है उसमें बुकरम नहीं लगता है। तो दोनों में सिलने का तरीका अलग होता है। इसमें हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, जैसे हम लोग ने बुकरम में अभी 1 इंच एक्स्ट्रा लगाया है, इसमें हम लोगों को नहीं लेना होता है। इसको हम लोग डायरेक्टली इसी तरह से कट कर देंगे। बिना बुकरम वाला गला मोस्टली गोल ही बनता है, चौकोर भी लोग बनाते हैं, पर जो सिंपल वाले शेप होते हैं सिर्फ बिना बुकरम वाले वही बनते हैं। जैसे कि आप वी शेप भी बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। उसके अलावा आप कोई और अगर डिजाइन काटना चाह रहे हैं तो वो बहुत टफ हो जाएगा, तो प्लीज वो बिल्कुल भी मत कट करिएगा, वो आप लोग बुकरम में ही कट करिएगा, तो ही वो क्लियर और साफ बनेगा बिल्कुल। तो अभी हमारा ये बिना बुकरम का गला रेडी है, आप लोगों को मैं खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का है, अगर ये बैक होता तो ये थोड़ा छोटा होता, पर जो लोग डीप पहनते हैं तो वो इससे भी बड़ा होता। तो ये गला मैंने कट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को हर तरह के नेक कट करना बताऊंगी, वो भी पेपर पर ही बताऊंगी, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरी एडवाइस यही होगी कि आप लोग सारी चीजें पेपर पर ही कट करना पहले सीखे, कपड़े पर बिल्कुल भी ना कट करें, क्योंकि ऐसे कपड़े का वेस्ट होता है फिर, और पैसे भी बर्बाद होते हैं इसलिए। तो सबसे पहले आप लोग पेपर पे ही कट करें। तो ये रही मेरी आज की क्लास, होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। और इसके बाद आप लोगों को जो भी चीज़ सीखनी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल इजी मेथड से वो चीज़ कट करना और सिलना बताऊंगी। उसके अलावा मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक कटिंग बताऊंगी हर तरह की। अगर आपके पास कोई नई तरह की नेक कटिंग है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पर मुझे DM करके सेंड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को नई तरह की नेक कटिंग या फिर कोई भी चीज़ है वो बताऊंगी। तो अभी चैनल पर बने रहें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर आप बेल बटन दबाएंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। आज मैंने आप लोगों को ये कटिंग करना बताया है, इसके बाद वाली क्लास में मैं आप लोगों को
नेक कटिंग बताऊंगी और आगे की कुछ क्लासेस में मैं ये सब आप लोगों को कपड़े पर भी कट करना बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप लोग सिर्फ कपड़े पेपर पर ही कट करना सीखें, उसके बाद मैं स्टिचिंग भी बताया करूंगी। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।